पकड़ों की खींचातानी जारी है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। जी हां, एक तरफ जहां आज गुजरात में दो चरणों में चुनाव कराए जाने की तारीखों का ऐलान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पाटीदार समुदाय के उभरते हुए सबसे बड़े चेहरे हार्दिक पटेल के खिलाफ मेहसाणा जिले की एक स्थानीय अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। बताया जा रहा है कि 2015 में पाटीदार आंदोलन के दौरान बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के ऑफिस पर हुए हमले के मामले में हार्दिक पटेल और लालजी पटेल के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। वैसे आपको बता दें कि मेहसाणा के जिस विसनगर की अदालत ने हार्दिक के खिलाफ वारंट जारी किया है, वह साल 2015 में हुए पाटीदार आंदोलन का प्रमुख गढ़ रहा था। तो हार्दिक पटेल के खिलाफ अरेस्ट वारंट ऐसे वक्त में जारी हुआ है जब गुजरात के चुनाव इतने नजदीक हैं। विरोधियों के माने तो ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। अब इसे साजिश कहें या फिर चुनावी हथकंडे, फिलहाल ये देखना बाकी है कि हार्दिक पटेल इस मुसीबत से कैसे निपटते हैं और गुजरात चुनाव के समीकरण बदलने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।